आज हम लोग क्लास 8 हिस्ट्री लेसन 5 के बारे में पढ़ेंगे, व्हेन पीपल रिबेल 1857 एंड आफ्टर। इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन वाज एक्टिवली प्रोमोटेड। अंग्रेजी भाषा की शिक्षा को अंग्रेजों के द्वारा प्रोत्साहन दिया गया और इसके लिए बहुत सारे अंग्रेजी स्कूल और कॉलेज खोले गए, जहां पश्चिमी ज्ञान और भाषा और संस्कृति से अवगत कराया जाता था। इसका उद्देश्य था कि जब भारतीय लोग अंग्रेजी सभ्यता और संस्कृति को अपनाएंगे तो वह अंग्रेजों के लिए अधिक बेहतर साबित होंगे और उनके अनुयायी बनकर रहेंगे। आफ्टर 1830 द कंपनी अलाउड क्रिश्चियन मिशनरीज टू फंक्शन फ्रीली इन इट्स डोमेन एंड इवन ओन लैंड एंड प्रॉपर्टी। 1830 के बाद कंपनी ने ईसाई मिशनरियों को अनुमति दिया कि वह स्वतंत्र ढंग से धर्म प्रचार का काम कर सकते हैं और कहीं किसी भी जमीन और संपत्ति पर अपने संस्थान को स्थापित कर सकते हैं। इसका उद्देश्य था कि अधिक से अधिक लोगों को ईसाई धर्म में शिक्षित करना। इन 1850 ए न्यू लॉ वाज पास टू मेक कन्वर्सन टू क्रिश्चियनिटी इजियर। 1850 में एक नया कानून बनाया गया जिसके बाद ईसाई धर्म को स्वीकार करना और आसान हो गया। दिस लॉ अलाउड एन इंडियन हू हैड कन्वर्टेड द क्रिश्चियनिटी टू इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ हिज एंसेस्टर्स। यह कानून भारतीयों जो भी भारतीय ईसाई धर्म को स्वीकार कर लेते थे उन्हें उनके पूर्वजों की संपत्ति पर वंशानुगत अधिकार दे दिया जाता था। इसके अलावा ईसाई बनने पर अंग्रेज लोग उन्हें नौकरी से लेकर व्यापार हर तरीके से प्रोत्साहन देते थे। दिस मेनी इंडियंस began to feel that the British were destroying their religion, their social customs and their traditional way of life. अनेकों भारतीयों ने यह महसूस करना शुरू किया कि अंग्रेज उनके धर्म, उनके सामाजिक रीति रिवाज और परंपरा, उनके जीवन जीने के तरीके को नष्ट कर रहे थे। सच ए सिचुएशन डेवलप्ड इन द नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया इन 1857। इस तरह की स्थिति उत्तर भारत में 1857 में आई। आफ्टर 100 years ऑफ कॉन्क्वेस्ट एंड एडमिनिस्ट्रेशन द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी फेस्ड ए मैसिव रिबेलियन दैट स्टार्टेड इन मे 1857 एंड थ्रीटेंड द कंपनीज वेरी प्रेजेंस इन इंडिया। 100 वर्षों तक अंग्रेज लगातार जीतते रहे और इस तरह से 100 वर्ष के अंदर भारत में उन्होंने अपनी प्रशासनिक और राजनीतिक, आर्थिक हर तरीके से अपनी स्थिति को मजबूत कर लिया। द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी फेस्ड ए मैसिव रिवेलियन दैट स्टार्टेड इन मे 1857 एंड थ्रीटेंड द कंपनीज वेरी प्रेजेंस इन इंडिया। ईस्ट इंडिया कंपनी को बड़े विद्रोह का सामना करना पड़ा मई 1857 में और भारत में कंपनी की उपस्थिति को इसके बाद से बहुत अधिक डर का सामना करना पड़ा। अंग्रेजों ने देख लिया कि भारतीय लोग एकत्रित होकर यदि प्रयास करें तो उन्हें यहाँ से भगा सकते हैं।
सिपाहीज म्यूटिनीड इन सेवरल प्लेसेज बिगिनिंग फ्रॉम मेरठ एंड ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी रोज अप इन रिबेलियन। अनेक जगहों पर सिपाही विद्रोह शुरू हुआ। मेरठ में सेना की छावनी से यह विद्रोह शुरू हुआ और बड़ी संख्या में समाज के हर हिस्से के लोगों ने भारतीय सिपाहियों का साथ दिया, क्योंकि बड़े बड़े राजा जमींदार से लेकर व्यापारी, कलाकार और मजदूर, किसान, हर तबका अंग्रेजों के शारीरिक और आर्थिक शोषण से परेशान हो गया था। उन्हें अपनी सभ्यता और संस्कृति के भी या धर्म के भी नष्ट होने का खतरा था, जिससे समाज के सभी वर्गों ने इस आंदोलन में भाग लिया। सम रिगार्ड इट एज द बिगेस्ट आर्म्ड रेजिस्टेंस टू कोलोनियलिज्म इन द 19th सेंचुरी एनी वियर द वर्ल्ड। कुछ लोग यह मानते हैं कि 19वीं शताब्दी में समूचे संसार में औपनिवेशिक आंदोलन, औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध यह सबसे बड़ा सशस्त्र विद्रोह था। ऑन द इवनिंग ऑफ 3 जुलाई 1857 ओवर 3,000 रिबेल्स केम फ्रॉम बरेली, क्रॉस्ड द रिवर जमुना, एंटर्ड दिल्ली एंड अटैक्ड द ब्रिटिश कैवेलरी पोस्ट्स। द बैटल कंटिन्यूड ऑल थ्रू द नाइट। 3 जुलाई 1857 की शाम को 3,000 विद्रोही बरेली से आए। उन्होंने जमुना नदी को पार करके दिल्ली में प्रवेश किया और अंग्रेजी घुड़सवार दस्ते या अंग्रेजी छावनी पर हमला किया। यह युद्ध सारी रात होता रहा। On 29 March 1857, a young soldier, Mangal Pandey, was hanged to death for attacking his officers in Barakpur. 29 मार्च 1857 को एक युवा सिपाही मंगल पांडे को अपने अंग्रेजी अफसर पर हमला करने के कारण फांसी लगा दिया गया। यह विद्रोह सिपाहियों का इसलिए शुरू हुआ कि सेना में अंग्रेज सिपाहियों की अपेक्षा उन्हें ऊंचे पद नहीं दिए जाते थे, उन्हें कम वेतन दिया जाता था। और दूसरा, यह बात फैल गई कि जो कारतूस वह प्रयोग करते हैं उसमें गाय और सुअर की चर्बी लगी है, जिससे हिंदू और मुसलमान दोनों सिपाहियों को अपने धर्म नष्ट होने का खतरा लगा। विद्रोह का सबसे बड़ा कारण यही था। सम डेज लेटर सम सिपाहीज ऑफ द रेजिमेंट एट मेरठ रिफ्यूज टू डू द आर्मी ड्रिल यूजिंग द न्यू कार्ट्रिजेज विच वी आर सस्पेक्टेड ऑफ बीइंग कोटेड विद द फैट ऑफ काउज एंड पिग्स। कुछ दिनों के बाद जब सिपाही ड्रिल कर रहे थे तो उन्होंने अंग्रेज अफसर का आदेश मानने से इनकार कर दिया। 85 सिपाहीज वर डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विस एंड सेंटेंस टू 10 इयर्स इन जेल फॉर डिसओबेइंग देयर ऑफिसर्स। दिस हैपेंड ऑन 9 मई 1857। 85 की संख्या में सिपाहियों को उनके सेवा से निकाल दिया गया और 10 वर्ष तक उन्हें अपने अफसर की आज्ञा नहीं मानने के कारण जेल में कठोर यातनाएं दी गई। यह घटना 9 मई 1857 को हुआ। थैंक्स।